Good morning, everyone. So today we are going to move further with your topic. So in the previous video, I've already explained you that how certain countries are termed as developing. Some are called as underdeveloped and some are called as developed. Okay, so now you all must be wondering कि क्या वो criterions होते हैं जिनकी basis पे ये comparison की जाती है. Okay, so I'll give you a very small example of your class. Like in your class, you call somebody as being good. आप किसी को कहते हैं कि वो person बहुत intelligent है, किसी को कहते हैं वो बहुत average person है, average student है. आप ये comparison कैसे करते हैं? आप ये comparison करते हैं on the basis of the marks that is obtained by a person. अगर उसे 90, 95, 97 ऐसे percent आ रही है, that means that person is intelligent. अगर उसे 70s में मार्क्स आ रही है, मतलब वो एवरेज है. बिलो 50s आ रही है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट सो गुड. ओके, सो दिस इज हाउ यू कंपेयर स्टूडेंट्स इन योर क्लास इन टर्म्स ऑफ स्टडीज. अगर वही कंपैरिजन फील्ड में होती है, देन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ अ पर्सन मैनेजेस द टीम, उसमें टीम स्पिरिट कितनी है, उसमें स्पोर्ट्समैनशिप कितनी है, ठीक है, ये सारी क्राइटेरियन आप कंसिडर करते हैं. अगर ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है तो क्या देखते हैं कि एक पर्सन जो है, एक स्टूडेंट जो है, वो पढ़ाई में कैसा है. अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ इज ही विथ हिज अदर बैचमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ उसकी क्या बिहेवियर है, इज ही फ्रेंडली और नॉट. सो ऑल दीज क्राइटेरियंस आर केप्ट इन कॉन्सिडरेशन. दैट मीन्स द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियंस, जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें बेस बनाया जाता है कोई भी कंपैरिजन के लिए. सो व्हेन इट कम्स टू अ नेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या क्राइटेरियन होंगे, दैट विल बी रीडिंग. इट इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attribute. So when you talk about development, जब भी आप development के बारे में बात करेंगे, सबसे पहला चीज जो आपके दिमाग में आएगा, better income. So income is the most important criterion or most important attribute for comparing countries. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि country की income क्या होती है. Country तो job पे जाता नहीं है. Okay, so what is country's income? So the people's income, the people, the citizens residing in a country, उनकी जो income होती है वही country की income होती है. That we'll read now. Country with higher income, more developed than other with less income. So जिसकी ज्यादा income होती है वो ज्यादा developed है, जिसकी कम है वो underdeveloped है, और जिसकी बिल्कुल ही मिडल में है, ना वो डेवलप्ड है ना वो अंडर डेवलप है, उसे कहते हैं डेवलपिंग. दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड. सो मोर इनकम मीन्स व्हाट? नाउ इफ यू हैव लेस मनी, यू विल सेटिस्फाई योर नीड्स. इफ यू हैव मोर मनी, यू विल हैव मोर आइटम्स ऑफ लग्जरी. ठीक है, जैसे आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते होंगे, when they were young, they used to have 2 to 3 pairs of clothes. ठीक है, उनके पास बहुत कम कपड़े हुआ करते थे. आज आपकी पापा की इनकम बढ़ गई है, सो यू हैव मोर, योर फादर हैज मच मोर देन यू इवन. ओके, सो दिस इज हाउ डेवलपमेंट इज सीन. ज्यादा इनकम, ज्यादा पैसे, दैट मीन्स यू हैव अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड यू हैव मोर मनी टू नॉट ओनली सेटिस्फाई योर नीड्स बट योर डिजायर्स. However, people like, whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So, greater income itself is considered to be one of the important goal. So, what they desire, what they want, what are their aspirations in life, materialistic aspirations, they'll all be able to fulfill when they have more income. ठीक है, ज़्यादा पैसे होंगे, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीद पाएंगे, ज़्यादा better अपनी लाइफ को लीड कर पाएंगे. जैसे आप बहुत कॉमन एग्जांपल देखिए, जब आपकी दादी माँ यंग एज में होंगी, शी मस्ट बी वॉशिंग, इफ यू कैन आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स, दे मस्ट बी वॉशिंग यूटेंसिल्स विद डिटर्जेंट या कोल एशेस जो होती है, राख जिसे आप बोलते हैं कॉमनली, उससे वो यूटेंसिल्स वॉश करती होंगी. फिर जब थोड़े और पैसे आए, बेटर डेवलपमेंट हुई, आपकी विम बार आने लगी. ठीक है, और डेवलपमेंट हुए, अब लिक्विड्स यूज करने लगे आप, प्रिल विम लिक्विड यूज करने लगे. सो दिस इज हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू डेवलपमेंट एट अ वेरी ग्राउंड लेवल. ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर वेल. ओके, सो दिस इज हाउ डेवलपमेंट इज सीन. ज्यादा इनकम, ज्यादा बेटर फैसिलिटीज आप खुद के लिए ले पाएंगे. नाउ, what is the income of a country?
ठीक है, अब एक कंट्री की इनकम क्या होती है, एक कंट्री की कैसे आप कह सकते हैं कि ये कंट्री में इनकम है, दिस जो जितनी आपकी कंट्री की टोटल इनकम आप डिसाइड करते हैं, आप कंपेयर करते हैं वहां के लोगों से, द पीपल रिसाइडिंग इन अ कंट्री, जितनी भी उनकी इनकम होती है, जैसे आपके पापा की एवरेज इनकम एनुअल इनकम है 5 लाख रुपीज, आपके नेबर की उतनी होगी, ये सब कंपेयर करके टोटल करके उसको जितने भी नंबर ऑफ पीपल है उसे डिवाइड किया जाता है और एक एवरेज इनकम कैलकुलेट किया जाता है। आई थिंक बाय दिस टाइम यू ऑल मस्ट बी नोइंग हाउ टू कैलकुलेट एवरेज, ठीक है, टोटल अमाउंट बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ओके, नाउ सी हियर, हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एज यूजफुल मेजर, नॉट सच एज यूजफुल मेजर सिंस कंट्री हैज have different population, comparing total income will not tell you what an average person is likely to earn. Are people in one country better than others in different country? Hence, we compare the average income. What is the total income of the country divided by its total population? The average income is also called per capita income. So, what is, like I'll say, give you example, किसी की 2000 है salary, 10 लोग हैं, किसी की 2000 है, किसी की 5000 है, किसी की 10,000 है, so ये सारे लोगों की सैलरी को टोटल किया जाता है और उसे 10 से डिवाइड कर दिया जाता है, ओके, एंड देन यू गेट द एवरेज इनकम। आई थिंक इन योर स्टैटिस्टिक्स यू मस्ट हैव रेड हाउ टू कैलकुलेट एवरेज, ओके, सो दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज पर कैपिटा इनकम, इसे इस एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। In World Development Report 2006, bought by the World Bank, the criterion is used in classifying countries. Country with per capita income of rupees 4,53,000 per annum and above in 2004 are called as rich country. So, what is how World Bank compares? अगर एक person country में अगर average income per capita income, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर हेड इनकम, अगर पर कैपिटा इनकम 4,53,000 आती है तो वो कंट्री क्या होगी, रिच कंट्री होगी। एंड ऑल दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 37,000 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। सो अगर 33,000 है पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम, तो वो क्या है, लो इनकम कंट्रीज है। इंडिया कम्स इन द क्राइटेरियन ऑफ लो इनकम कंट्रीज because its per capita income in 2004 was just 28,000 per annum. So, केवल 28,000 है इंडिया की per capita income by 2004. That's why it is termed as the low income country. That means it is not a developed nation. The rich countries include countries of Middle East and certain other small countries like are generally called developed countries. So the countries whose income, whose per capita income is 4,53,000, they are termed as the rich countries and they are also called as the developed countries. Now, see here, there is a picture that is given in your books, you can see. Country with no rich, no poor. So if you see here, there are 4 chairs and there are 5 people who are sitting on it and somehow they all have managed to sit here. That means here chair represents the income. ठीक है, opportunity को represent करती है ये chair. और यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत comfortably तो नहीं, लेकिन मुश्किल से सारे लोग adjusted हैं और एक equal proportion, एक equal share मिल रहा है सारे लोगों को. So this is the situation there. Where this is the situation in the rich country, country with no rich and no poor. Now see here, country with rich and poor. If you see here, there are 6 chairs. There are only 5 to sit. If they would sit comfortably, every person would have easily got a chair and still 1 chair would be spare. But agar aap dekhenge, to yahan ek person jo hai, wo 4 chair pe almost he's sleeping and 4 people have somehow adjusted on 2 chairs. So this is how the income is not uniformly divided. Hamare country mein jo hamari jaisi country hoti hai jahan pe rich is getting richer and poor is getting poorer, yahan pe proper division of resources nahi hai.
किसी को बहुत ज्यादा मिल चुका है तो किसी को बिल्कुल भी नहीं मिल चुका है. ओके किसी के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं इनकम की, बहुत सारे वेज हैं अर्न करने की, और कुछ लोगों के पास दे हैव टू हंट फॉर वर्क एवरी डे टू अर्न देयर लिविंग. ओके सो आई होप दिस पिक्चर इज क्लियर टू यू. नाउ लेट अस सी इनकम एंड अदर क्राइटेरियन. व्हेन वी लुक at individual aspiration and goals, we found that people are not only thinking of better income but also have a goal such as security, respect for others. Now when I say you about development, you not only think about only income, as aap aisa nahi sochte ho ki bahut paise aa jaye hum bahut rich ho jaye, but apart from that you consider other criterion also. Aap baaki criterion ko bhi dhyan rakhte hain. Wo kya criterion hai, I'll tell you. Respect in society, security, and all these criterion you keep in mind. आप कैसे निकाल सकते हो? आप देखोगे ए बी बी और ई बी पी, ये दोनों हमने एक ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ग्रुप किया है, तो इसका ये साइड दीदी दीदी एक ग्लास पानी दीजिएगा ना, ग्यारह वाला है देखिए तो ग्यारह देखिए ना, 10 मिनट बोल के मेरा इतना जोर से खांसी आने लगा कि हमको पॉज करना पड़ा, सूख गया गला. हाँ पानी नहीं पी रहा हम आधा रिकॉर्ड करके आए हैं, खांसी आने लगे इसलिए कर रहा है, 10 मिनट और रिकॉर्ड कर रहे हैं. क्या क्या पांचवा बना है? 5-7 बोले थे तो दिक्कत होगा, 3 ही टाइम मिल रहा है ना, टाइम और बढ़ा दीजिए, 8, 9, 10 को पूरा कर रहा है पहले, तो टाइम ये वाला बढ़ा दीजिए, 11 वाला बढ़ा दीजिए, 12 से 12:40 कर दीजिए एक और टाइम. क्या जूनियर टीचर्स आएंगे? वो लोग लेट आएंगे, 10 बजे आएंगे अपना. हाँ वही तो हम बोल रहे हैं, टाइम तो फिर एक और चीज सुनिए 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 एक और चीज हो सकता है, बस 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 हाँ, या फिर ये जो 20-20 मिनट का गैप है ना उसको रिड्यूस कर दीजिए, 9 से 9:40 और फिर 9:50 से कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए. मैम जब वो बोल रहे हैं कि रूम्स क्रिएटेड हैं तो फिर रूम तो क्रिएट करना नहीं है, तो ये 20 मिनट का गैप क्यों लिया, सोचना पड़ेगा. कल मेरा है इसमें नहीं, एक भाभी जी लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप फिजिक्स गिरा रही हैं. अच्छा ठीक, नहीं ये तुम लोग के रूटीन को बता, तुम गिरा दो पानी, नहीं है पानी गिरा दो, नहीं पी रहा
इस टाइम पे इसको सेट किया, 8 एंड 10 सेट करने के बाद हम नीचे देखते हैं, नीचे में हमको नहीं लगता कि हर सब्जेक्ट में ये है, ये एक बार हम लोग सुनिए सुनिए, क्योंकि अगर लोग टीचर ना जाए ना वो तो कुछ पढ़ेगा ही नहीं। सुनिए ना, हम एक चीज बोल रहे ना, ये जो 20 मिनट का गैप है ना, वो पूछ चले ना पूछने, अगर 20 मिनट को रिड्यूस कर दो, हमारे पास ये सर ना कि रूम इज क्रिएटेड, तो फिर 30 मिनट्स मिल जाएगा, अगर 10 मिनट्स कम कर दिया तो 30 मिनट्स मिल जाएगा। रूम क्रिएट अपना ऐप है, हां तुम नहीं है, थैंक यू सर, लिंक भेजना नहीं है तो फिर टीचर, और ऐसा थोड़ी है कि हम ही 1 में पढ़ा रहे हैं, हम ही 8 में पढ़ा रहे हैं, दो पीरियड और यहाँ पे भी मैम देखिए 9 to 9:40 है, 10:50 चलाएंगे वो बच्चा वहीं बैठा रहेगा, 10 मिनट्स का गैप वॉशरूम में सब अपना जाएगा, 9-10 के लिए हम बोल रहे हैं, उन लोग का 2-2 भाई, ये 20 मिनट्स का गैप हमको थोड़ा ज्यादा लग रहा था भाई, 10 minutes is more than enough, नहीं भाभी जी 10, क्योंकि हम लोग कॉन्टिन्यूस थोड़ी बहुत ज्यादा चला रहे, 2 पीरियड तो चल ही रहा है, मेरा ऑफ है, सो वेन वी आर थिंकिंग अबाउट नेशन एज वेल, अगर हम किसी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो ये तो नहीं सोचेंगे दैट वील थिंक ओनली अबाउट इट्स इनकम, अपार्ट फ्रॉम इनकम ऑल्सो दे आर अदर क्राइटेरियंस, नाउ लेट अस सी दैट। सिमिलरली वेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन, वी मे बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। सो जैसे एक इंडिविजुअल को केवल इनकम नहीं इम्पॉर्टेंट होती है, और भी बाकी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही एक नेशन को भी, इट्स नॉट ओनली अबाउट पर कैपिटा इनकम, इट्स नॉट ओनली अबाउट इनकम ऑफ अ कंट्री, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो। नाउ लेट अस सी दैट व्हाट कुड बी दीज एट्रीब्यूट्स बी, सो व्हाट कुड बी अदर एट्रीब्यूट्स अपार्ट फ्रॉम इनकम, लेट अस एग्जामिन थ्रू एन एग्जाम्पल। टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ पंजाब, केरला एंड बिहार। एक्चुअली दीज figures are of per capita net state domestic product at current price for 2002 to 2003. Let us ignore what are its complicated terms exactly means. Roughly we can take to be it to be a per capita income of state. We find that of three, Punjab has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. This means that, now let us, before than that, let us see this picture, see this table 1.3, per capita income of selected state. Now three states are given, Punjab, Kerala and Bihar. Now Punjab per capita income is 26,000, Kerala per capita income is 22,800 and Bihar it is 5,700. So when you see on the basis of per capita income, aapko kya pata chalta hai? That people in Punjab are more prosperous than people in Bihar. That means agar aap poverty ko compare karte hai in terms of money, to Punjab mein poverty, pauperized population aapko kam milegi aur Bihar mein aapko zyada milegi. Now let us see. This means that a person in Punjab earns 26,000 in 1 year, whereas an average person earns in Bihar would earn only around 5,500. So, अगर आप देखेंगे तो annual income एक person की पंजाब में होगी 26,000 और बिहार में होगी 5,700. Here 5,500 is given.
So if per capita income were to be used as the measure of development, Punjab will be considered the more developed and Bihar the least developed state of the three. Now, let us look at the certain other data pertaining to these states given below. Now, see here. अगर आप और बाकी अभी तक आपने टेबल 1.3 में आपने इनकम को कंपेयर किया, अब आप यहाँ देखिए स्टेट्स पंजाब केरला एंड बिहार. अब बाकी क्राइटेरियन अपार्ट फ्रॉम मनी अदर क्राइटेरियंस आर केप्ट इन कंसीडरेशन. इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट पर 1000. सो अगर इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट आप देखते हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट की मीनिंग आपकी यहाँ दी हुई है, दैट मीन्स एक बच्चा जो है वो अपनी वन ईयर कंप्लीट करने से पहले अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट. वन ईयर से पहले अगर डेथ हो रही है, दैट मीन्स द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सम मेडिकल इश्यूज. ठीक है, मतलब उस स्टेट में अगर जिस भी स्टेट में डेथ ज्यादा हो रही है, दैट मीन्स वहां की मेडिकल फैसिलिटी बहुत पुअर है. सी पंजाब 49, केरला 11 एंड बिहार 60. ठीक है, अगर आप पंजाब में देखेंगे तो पर 1000 में से 49 बच्चों की डेथ हो जाती है ड्यू टू इन्फेंट बिफोर दे कंप्लीट वन ईयर. ठीक है, इन्फेंट एज इन्फेंट उनकी डेथ हो जाती है. केरला में 11 और बिहार में 60. अब यहाँ पे ज्यादा डेवलप्ड कौन है? केरला. बिकॉज दिस शोज, अगर 11 बच्चों की केवल डेथ हो रही है, दिस शोज दैट दे हैव अ बेटर मेडिकल फैसिलिटी देन पंजाब एंड बिहार. सो कुड यू सी द डिफरेंस? केरला जो कि वहां मिडिल में था, ना वो हाईएस्ट था ना वो लोएस्ट था, दूसरे क्राइटेरियन में वो हाईएस्ट हो गया. नाउ लिटरेसी रेट 70%, 91% एंड बिहार 47%. अगर पंजाब में देखेंगे तो लिटरेसी रेट कितनी है? 70% है. केरला में 91% है और बिहार में ओनली 47%. सो अगेन हियर व्हेन इट कम्स टू लिटरेसी, केरला इज अहेड पंजाब एंड बिहार. नेट अटेंडेंस रेशियो फॉर क्लास 1 to 5, 81, 91 and 41. सो ओनली 81 है नेट अटेंडेंस रेशियो पंजाब की, 91 है केरला की और बिहार की है 41. सो व्हेन अदर क्राइटेरियंस अपार्ट फ्रॉम मनी वॉज कंसिडर्ड, केरला रैंक्स हाईएस्ट अमंग द थ्री स्टेट्स. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू पीपल, दैट ऐसा जरूरी नहीं है कि एक क्राइटेरियन में अगर कोई स्टेट हाईएस्ट है तो वो बाकी सारे क्राइटेरियंस में हाईएस्ट हो. लेट अस सी व्हाट डज दिस टेबल शो. द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बॉर्न अलाइव 11 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग वन ईयर ऑफ एज, बट इन पंजाब द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विदिन वन ईयर ऑफ एज इज 49, विच इज नियरली 5 times मोर. On other hand, the per capita income of Punjab is more than Kerala as shown in table 1.3. Just think of how dear you are to your parents. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think of parents, parents whose children die before they have celebrated their first birthday. How painful it must be to these parents. Next, note the year to which the data pertains. In 2003, you are not talking of old times. It is 56 years after independence when our metro towns are full of high-rise building and shopping malls. So just imagine this situation. आप इस situation को imagine कीजिए कि एक बच्चा जब बच्चे की birth होती है family में, it brings so much of happiness. And when a child dies before completing his 1 year, so much of pain that parents must be suffering from. Okay, so this all happens because the government out there or people out there, they are focusing more on earning and less on medication. ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज पुअर हैं इसलिए. और ये आप कुछ बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं. दिस डाटा इज ऑफ 2003. यू आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न टाइम्स वेयर यू हैव एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज. आप बिफोर बर्थ आप जान सकते हैं कि बच्चे के हार्ट में होल है या नहीं, क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं, ये सब आप इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मशीनरीज मेडिकल मशीन्स आ चुकी हैं, फिर भी अगर बच्चों की डेथ हो रही है, दैट मीन्स दैट स्टेट इज लैगिंग बिहाइंड इन medical facility. The problem does not end with infant mortality rate. The last column shows that more than half of the children in Bihar do not even get to go to school. So these are
अ कंट्री सॉरी अ स्टेट फोकसेस मोर ऑन इनकम, बट अगर आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में नहीं कन्वर्ट कर रहे, इफ यू आर नॉट एजुकेटिंग देम, इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग देम गुड हेल्थ, टुमारो योर प्रेजेंट जनरेशन, योर यूथ इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रोडक्टिव रिसोर्स फॉर योर कंट्री. आपको केवल ये नहीं फोकस करना होता है दैट बहुत अच्छी इनकम हो जाए, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू ऑल्सो फोकस दैट लोगों की हेल्थ बहुत लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी हो, छोटे बच्चे पढ़ाई कर सके, ये सब भी फोकस करना होता है. अगर आप इस टेबल में देखेंगे देन नियरली हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स इन बिहार, दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट रिसीव द एलिमेंट्री एजुकेशन, उनकी बेसिक एजुकेशन नहीं होती है. फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बने? वो नहीं बन सकते हैं क्योंकि उनकी बेसिक एजुकेशन ही नहीं स्टार्ट हुई है अभी तक. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. So just imagine, अगर ये situation आपके साथ हुई होती तो क्या आप आज जो इतनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, आज जो आपकी इतनी अच्छी understanding है, you are understanding to the things, would it be possible? No, it would not be possible. So for all these things, what government has decided, government in all the states have decided that there are certain facilities that will be provided by the government, ताकि parents को बहुत load ना हो, पेरेंट्स को बहुत एक्सपेंडिचर ना हो और पेरेंट्स डिस्क्रिमिनेट ना करें. जनरली क्या होती है फैमिली में, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल बट मोस्ट ऑफ द फैमिली, इफ द इनकम इज लिमिटेड, फर्स्ट फोकस इज गिवन टू द बॉयज. ठीक है, जो मेल होते हैं, जो बॉय चाइल्ड होती है फैमिली की, उन पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि उन्हें पढ़ाना ज्यादा जरूरी है, और गर्ल्स को नेग्लेक्ट किया जाता है. सो टू इरेडिकेट ऑल सच प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट ने ये चार्ज लिया है दैट देयर आर सर्टेन फैसिलिटीज दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और उन फैसिलिटीज को क्या हम कहते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज. ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं या बहुत ही नेग्लेजिबल, बहुत ही नॉमिनल रेट पे ये होती हैं, एंड एवरी बडी कैन इजिली अफोर्ड इट. ठीक है, एक्सेसिबिलिटी होती है, यू कैन एक्सेस टू इट एंड यू एट अ वेरी चीपर रेट. इसीलिए हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक हॉस्पिटल्स होती हैं. ठीक है, जैसे हमारा ये सदर हॉस्पिटल है. ठीक है, ये यहाँ पे आप किसी भी बीमारी का इलाज बहुत ही कम अमाउंट में या फ्री ऑफ कॉस्ट भी करा सकते. फिर हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स होती है दैट इवन इफ पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, दे कैन ड्यू टू लैक ऑफ मनी, दे कैन इजीली एक्सेस टू दी फैसिलिटीज. सो इन योर नेक्स्ट वीडियो विल बी रीडिंग अबाउट योर पब्लिक फैसिलिटीज. फॉर नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट आर गिवन ओवर हियर, लेट अस डिस्कस दिस, यू विल बी डूइंग एज द होमवर्क. थैंक यू.